से आपको काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। अन्य क्षेत्रीय केंद्रों पर भी आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए उनके वेब पेज पर विवरण दें, जैसे rcvaranasi.ignou.ac.in हमारा rcvaranasi का वेब पेज है, वैसे rclucknow.ac.in ignou.ac.in लखनऊ का वेब पेज है। ऐसे किसी भी जो भी शहर का आप आरसी रीजनल सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं उन पे वो आपको दिखाया जाएगा। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम स्वयं प्रभा चैनल पर लगातार काउंसलिंग कर रहे हैं। स्वयं प्रभा चैनल के बारे में शेड्यूल प्राप्त करने के लिए आप ignou.ac.in के वेब पेज पे जाके आप नीचे स्टूडेंट कॉर्नर में स्टूडेंट सेक्शन सेकंड में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये पढ़ाई करने के बाद काउंसलिंग में भागीदारी करने के बाद आपको एग्जाम देने की तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन एग्जाम से पहले एक सत्र कार्य जिसे असाइनमेंट राइटिंग कहते हैं वो काम करना पड़ता है। तो परीक्षा फॉर्म भरने से पहले 3 माह पहले प्रत्येक पेपर जितने भी पेपर का आपको एग्जाम देना उसके असाइनमेंट लिखकर स्टडी सेंटर पर जमा करना होता है। असाइनमेंट प्रश्न आप इग्नू के वेब पेज पर डाउनलोड सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हर विषय का ईयर वाइज असाइनमेंट दिए हैं, आप लेटेस्ट असाइनमेंट को डाउनलोड करें और उनको प्रिंट आउट ले लें, क्योंकि असाइनमेंट हमेशा A4 साइज के पेपर पर लिखना होता है और प्रथम पेज जो है समस्त जानकारी, जैसे कि आपका एनरोलमेंट क्या है, आपने कौन से जानकारी उसमें रखे हैं, मतलब स्टडी सेंटर कौन सा है, कौन सी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आप शामिल होने जा रहे हैं, पेपर का नाम टाइटल सब ये डिटेल्स लिखना पड़ता है। दूसरे पेज पे आपका प्रश्न पत्र होगा और तृतीय पेज से आपके उत्तर जो आपने प्रश्न के उत्तर लिखे हैं उनको होना चाहिए। असाइनमेंट के चूँकि 25 से 30% अंक फाइनल ग्रेड कार्ड में भारित होते हैं, इसलिए असाइनमेंट पूरे मन से लिखना चाहिए और समय से जमा करना चाहिए, क्योंकि ये 30% अंक आपके उस फाइनल ग्रेड कार्ड में जोड़ते हैं। इग्नू में 2 बार परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। कोई भी विद्यार्थी देश के किसी भी परीक्षा केंद्र को परीक्षा फॉर्म भरते हुए ऑप्ट कर सकता है। ऑनलाइन स्टूडेंट सपोर्ट्स में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपके जो भी ग्रीवांसेज हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए, उन पर बात करने के लिए, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज हैं उन पर बात करने के लिए आपके अध्ययन केंद्र पर संपर्क करना चाहिए। आपका अध्ययन केंद्र जो भी अलर्ट हुआ है वही आपका संपर्क सूत्र, प्रथम संपर्क सूत्र है। काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो हम क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के द्वारा जो काउंसलिंग केंद्र होता है प्रतिदिन केंद्र के FB पेज पे हम अपलोड कर देते हैं। rcvaranasi.ignou.ac.in जो हमारा वेब पेज है वहाँ अपलोड रहता है, लेकिन जो केंद्र किसी भी सेंटर द्वारा या स्कूल द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल चलाया जा रहा है वो हम डेली के डेली अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करते हैं। तो आरसी वाराणसी के फेसबुक पेज पे भी आपको प्रत्येक दिन जुड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें आपकी काउंसलिंग शेड्यूल कैसे। और क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा प्रत्येक रविवार को 11 बजे से फेसबुक लाइव द्वारा अपनी समस्याएं भी लिख सकते हैं। यहाँ के अवसर 11 बजे रविवार को फेसबुक लाइव सेशन द्वारा आपसे जुड़ते हैं और आपकी समस्याओं पर विचार करते हैं। अपनी समस्या रखने के लिए आईग्राम पोर्टल का भी इस्तेमाल करते हैं कर सकते हैं आप लोग। और ये आईग्राम पोर्टल जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसका आईग्राम पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। माह के प्रत्येक दूसरे और चौथे बुधवार को ऑनलाइन स्टूडेंट ग्रीवांस कैंप हम आयोजित करते हैं, जिसका लिंक हमने यहाँ लिख रखा है। और आप 11 बजे से 12 बजे के बीच में ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं अपनी समस्याओं को लेके। इस तरह से आप देखें तो आप अपनी समस्याओं के लिए हमसे बातचीत जब चाहे तब कर सकते हैं और हम आपके समस्याओं पे बातचीत के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और आपको कोई भी समस्या हो तो इग्नू सेंटर वाराणसी रहता है। अब मैं आपको इग्नू का वेब पेज दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए स्टूडेंट जोन में जा सकते हैं। स्टूडेंट जोन में आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टेटस दिखा रहा है। यहाँ अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये इनरोलमेंट भरने और प्रोग्राम भरने का ऑप्शन मांगता है। मैं एक इनरोलमेंट
5002646466 भर देता हूँ। ये एमपीएस के स्टूडेंट हैं, और अगर हम इसको भर दिए तो ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आपको भरना होता है। वेरिफिकेशन कोड भर के आप सबमिट करते हैं तो ये कोई गलती हो गई इसमें, 2250। टू टू फाइव डबल जीरो टू सिक्स फोर सिक्स सिक्स। हाँ, ठीक है, 2796। ये देखिए, ये मयंक वीरवार का इनरोलमेंट है। हमने इनका डिटेल्स भर के जब सबमिट किया तो ये सामने खोल के चला आया। जुलाई 2022 तक प्रोसेस कर जो रहा हूँ इन्होंने मैं। प्रवेश लिया है और जून 2026 तक इनका इनरोलमेंट वैलिड है, यानी कि 2 साल का जो कोर्स है उसको 4 साल की वैलिडिटी दी गई है। और इनके पर्सनल डिटेल्स के बाद इनके 4 पेपर जो इनके इनका इनरोलमेंट हुआ, MPA 11, 14 और 13 और 12, ये 4 पेपर यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रहा था कि जब आप ग्रेड कार्ड, आप एग्जाम देंगे तो आपके ग्रेड कार्ड में जो भी नंबर ऑनलाइन ग्रेड कार्ड में अपडेट हो जाएंगे। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है आपकी, स्क्रीन नॉट विजिबल राइट नाउ, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, वी आर नॉट एबल टू सी योर स्क्रीन। ओके, विजिबल है स्क्रीन सर, शायद आपका विजिबल नेटवर्क से इशू सर होगा। स्क्रीन, एक बार मैं फिर से, प्लीज चेक योर नेटवर्क, इट इज विजिबल। नो सर इट इज नॉट विजिबल, अभी अभी विजिबल सर अभी हो रहा नाउ इट इज, यस ठीक है। यस नाउ इट इज। हाँ ओके, तो हेलो, मैं कह रहा था ये मयंक वीरवार का स्कॉलर रजिस्टर पेज खोला है हमने। यहाँ स्टडी मटेरियल स्टेटस हमने करिए, आपको आपने जो ऑप्शन लॉग इन दिया था किया है, ये पहुंचा, तो यहाँ पे आपने जो खोल के, लॉग इन और किया आपका है, किस सेशन में है। अभी आपने जुलाई 22 सत्र में एडमिशन लिया तो ये जनवरी 20 का के आगे का दिखा रहा। जुलाई 22 के सत्र में आप अपने एनरोलमेंट डालेंगे तो यहाँ पे आपका स्टडी मटेरियल स्टेटस दिख जाएगा। असाइनमेंट जब आप सबमिट करेंगे तो उसके जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो यहाँ पे सबमिशन स्टेटस आपको दिखने लगेगा। परीक्षा के लिए हार्ड टिकट यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो पिछले कुछ वर्षों में परीक्षाएं हुई हैं उनके क्वेश्चन पेपर यहाँ आपका आपको, बता रहा है जो देख दूसरा रहे हैं आप, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर जिसे हम आपको अभी बता रहे पता हैं। चल असाइनमेंट रहा क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना होगा, मैं आपको खोल के दिखा भी देता हूँ असाइनमेंट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मास्टर प्रोग्राम के असाइनमेंट तो यहाँ पे सर, दिया इसमें गया है। हमारे सब्जेक्ट का जो है कोई शो ही नहीं करता है, एमएससी एफएस क्यूएम सब्जेक्ट का वो ऑप्शन में शो ही नहीं करता है सब्जेक्ट, अभी प्लीज हम आप जरा अभी खोल हम के आप जरा देखिए। अभी अभी आप अभी आप लेंगे हम कब आपको बात करने का मौका मिलेगा, वो कैसे शो करेगा वो सारी चीजें बताई जाएंगी। अभी आप मेरी बात सुनिए, इसके बाद सर ये पेज आपने ओपन कहाँ से किया बता सकते हो क्या आप? अभी हम यहाँ पे दिया असाइनमेंट पेपर, सर ये समझ नहीं आया ये पेज आपने कैसे ओपन किया। अभी क्लिक करना है, सिंपली क्लिक किया आपने रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह डाल के। हाँ, रजिस्ट्रेशन आईडी आपने खोल लिया है। आपको आपने ये देखा था रजिस्ट्रेशन आईडी कैसे हमने खोला था? नहीं सर सॉरी, आप सभी लोग ध्यान कैन यू प्लीज रिपीट इट, जल्दी, ये रिपीटिशन होगा तो और चैट में ना लिंक दिया हुआ है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर, वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं आप। एक्चुअली मैं फिर से दिखा देता या गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, गूगल से भी हो जाएगा, इग्नू स्टेटस से। हाँ, एक मिनट डॉक्टर पांडे प्लीज, आप थोड़ा सा एक बार उसको रिपीट कर दें जहां से रजिस्ट्रेशन था, और आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स नॉट टू इंटरफियर इन द मीटिंग अगेन एंड अगेन प्लीज। इफ यू हैव एनी इशू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, टाइप इट इन द चैट बॉक्स, वी विल अटेंड दैट, एंड आफ्टर द प्रेजेंटेशन इज ओवर यू एवरी वन विल बी गिवन अ चांस टू आस्क अ क्वेश्चन, और ये प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन सी इट लेटर ऑल्सो ऑन आवर फेसबुक पेज एंड यूट्यूब, सो डोंट इंटरप्ट इन द प्रेजेंटेशन एंड अगेन अगेन, वी हैव लिमिटेड टाइम, ओके।
ठीक है डॉक्टर पांडे प्लीज। अभी मैं देखा रहा हूँ ignu.ac.in ignu का जो वेब पेज है मैंने वो खोला है, वहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट्स में हम गए हैं और स्टूडेंट सपोर्ट्स में जो पहला आइकॉन है स्टूडेंट जोन, उसे हमने क्लिक किया। ये क्लिक करते पेज के आप खुल जाता और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस करके ऑप्शन दिख रहा है, आइकॉन दिख रहा है, इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आता, पोर्टल खुल के आता है जिसमें आप इनरोलमेंट नंबर डालते हैं अपना 2250026466। ये एक विद्यार्थी है एमपीए के, उनके इनरोलमेंट नंबर है, मैंने उनका प्रोग्राम भर दिया एमपीए और इसमें मैंने वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ पे दिख रहा मैंने उसको भर दिया और सबमिट कर दिया। सिंपली बस सबमिट करते ही ये पेज खुल जाता है। हमें लगता है आपकी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। ये पेज खुलने के बाद हमने आपको बताया कि यहाँ पर्सनल डिटेल्स हैं आपके और यहाँ पर आपके कौन-कौन से पेपर इस बार हैं आपके लिए और साथ में नीचे दिया गया है इन आइकॉन्स के बारे में हमने आपसे बात की थी। मैं इम्पोर्टेंट आइकॉन इसके बारे में बात कर रहा था, टर्म एंड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करें आप, तो इसके हमने किया गया कि हमने इसको सिंपली क्लिक कर दिया। क्लिक करने पे ये पेज खुल के सामने आता है असाइनमेंट प्रोग्राम वाइज, ये पोर्टल असाइनमेंट का, और इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने मास्टर प्रोग्राम के पेजेस खुल गए। क्योंकि हम एमपीए के स्टूडेंट का देख रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि एमपीए के स्टूडेंट का हम आपको पेपर खोल के दिखाएं। ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ पे अपलोड है। अब आप देख रहे हैं जुलाई 22 सत्र में जिन्होंने प्रवेश लिया है, जनवरी 23 और जुलाई 22 का पेपर एक है। यहाँ पर आपको अगले साल मार्च में अपने असाइनमेंट जमा करने हैं तो फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप डाउनलोड कर लें। ये देखिए आपके सामने एमपीए के फर्स्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड हो गए और यहाँ पे आपको गाइडेंस दिए गए हैं कैसे आपको असाइनमेंट तैयार करना, फर्स्ट पेज पे कैसे कैसे आपको लिखना है, डिटेल्स यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं, इस गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए आपको। ये पहला पेपर आ गया है एमपीए 00011 का और ये क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं इसके डिटेल्स दिए गए हैं। ये दूसरा है 12, ये 13 है और ये अंत में 14 है। ये चारों असाइनमेंट के पेपर के क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन दिए गए, जो निर्देश दिए गए, यथा निर्देश आप अपने पेपर तैयार करके अपने अध्ययन केंद्रों पे जमा करेंगे, वो इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन के बाद ये असाइनमेंट स्क्रिप्ट आपको ले लेनी चाहिए वापस भी, और जिसे आपको मार्क्स पता रहेंगे। दूसरा होगा कि आपका ये अपना लिखा हुआ प्रपत्र है ये आपके पास होना चाहिए। तो ये आप कर लेंगे तो हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये समय से जमा करना, मैंने एक थंब रूल बताया कि जिस भी टर्मिनल एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं, साल में दो बार टर्मिनल एग्जामिनेशन होते हैं, पहला जब होता है जून में और दूसरा दिसंबर में, तो जून में अगर जा रहे हैं तो मार्च तक अपने असाइनमेंट जमा कर लें, दिसंबर में जा रहे हैं तो पहले तो आप अपने तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हो गए और उसके बाद आपको परीक्षा फॉर्म भरने की जरूरत होती है। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरी जाती है, आपको पता है कि परीक्षा फॉर्म आप यहाँ से भर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम लिखा यहाँ से परीक्षा फॉर्म भर देंगे। लेकिन हर विद्यार्थी को एक खास बात यहाँ बताना आवश्यक है कि सेकेंड ईयर में आपको प्रवेश लेने के लिए री रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। री रजिस्ट्रेशन जिन्होंने जुलाई 22 से प्रवेश लिया है वो भाई अपने माइक जुलाई 22 सत्र में जिन्होंने प्रवेश लिया है उन्हें जुलाई 23 सत्र में री रजिस्ट्रेशन कराना है और वो आवश्यक है। री रजिस्ट्रेशन के लिए आप इसको क्लिक करेंगे और सीधे आपको यहाँ पे अपने रोल्स पोजीशंस दिए गए हैं और इनको करके आप री रजिस्ट्रेशन के लिए सीधे प्रोसीड कर सकते हैं। आपके पास एक इनरोलमेंट नंबर पहले से अलॉट है, उसी को भरते हुए साइन अप करेंगे और उसके बाद री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अच्छा हाँ
हाँ तो मैं बता रहा था कि आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन इसके नीचे आपको करना होगा, प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन, और नीचे में इसको क्लिक करके आप जाते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आईडी पासवर्ड होता है उसके द्वारा लॉग इन कर लेते हैं। इस तरह से आप देखें तो ये री रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है, और आप इसके लिए चाहिए आपको चाहे आप परीक्षा में समझे हो लेकिन रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो परीक्षा देने के लिए सर आपको बस क्लियर नहीं आ रही है, क्या कर रहे हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप लोग आप सब लोग माइक ऑन करेंगे तो कैसे क्लियर होगी? तो मैं कह रहा था कि री रजिस्ट्रेशन समय से कराना आवश्यक है, यानी जुलाई 23 में आपको री रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, चाहे एक दो पेपर आपके बाकी भी रह जाए क्योंकि वो आगे देने की आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो ये एक बात हो गई, और दूसरी बात हो गई कि आपको मैं ये बता रहा था कि हमारा ई ज्ञान कोर्स सेक्शन है, इस ई ज्ञान कोर्स सेक्शन से आप अपने स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा आप अगेन ज्वाइन करिए फिर से हो जाएगा, कोई और भी स्क्रीन शेयर कर दे रहा है इसलिए। मैंने अगेन ज्वाइन किया है बट नहीं हो रहा है, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ सारे विषय अपलोडेड है, इंक्लूडिंग एमपीए एमपीएस हिस्ट्री सारे मास्टर प्रोग्राम और बैचलर प्रोग्राम के सारे प्रोग्राम। यहाँ पे हमने कुछ YouTube वीडियो जो पीछे क्लासेस हुई हैं उनको अपलोड MSc FS QM का जरा दिखा दीजिए सब्जेक्ट का, या MSc FS QM सब्जेक्ट का दिखा दीजिए सर। किसका? MSc FS QM मैं बताता हूँ, क्लास कंप्लीट हो जाए आपको पूरी जानकारी। अभी हम क्वेश्चन सेशन में आप हम सारी जानकारी, तो ये यूट्यूब वीडियो लेक्चर से यहाँ अपलोड है और यहाँ पे फेसबुक लाइव सेशन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर यहाँ पे अपलोड है। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर होगा। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्वयं प्रभा चैनल है, आप नीचे देख रहे हैं कॉलम स्वयं प्रभा चैनल का है, जहाँ हम आपको दिखा रहे थे इन स्वयं प्रभा चैनल पे क्या प्रसारण हो रहा वो आप देखने के लिए स्टूडेंट सेशन में जाएं, और डेली शेड्यूल्स यहाँ अपलोड हो जाते हैं स्वयं प्रभा चैनल के, आप इनको खोल के देख सकते हैं कि स्वयं प्रभा चैनल पे किस तरह के शेड्यूल्स हैं और कब आपकी क्लासेज हैं। टीवी चैनल पे आप अपने घर बैठे इन क्लासेज में शामिल हो सकते हैं, जैसे स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज बेसिक साइंस प्रोफेशनल, ये चार चैनल हैं हमारे 17, 18, 19, 20, इन पे आप शामिल हो सकते हैं काउंसलिंग सेशंस में घर बैठे। मैं आपको स्कूल ऑफ इसका ह्यूमैनिटीज का सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज का चैनल खोलता हूँ, शेड्यूल खोलता हूँ, और आप यहाँ देखेंगे इसमें पूरे शेड्यूल दिए गए हैं ह्यूमैनिटीज में जो हिंदी की कहानियाँ और उनके बारे में जो उपन्यास के पेपर्स हैं, और यहाँ पे दिए गए हैं MHD 04, और कौन से प्रोफेसर आपकी क्लास लेंगे, 30 तारीख को 30 कब लेंगे, और टाइम ये टाइम कब उनकी क्लासेज होंगी स्वयं प्रभा चैनल पर, तो टाइम जान के आप इस टाइम पे अपनी क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग COVID-19 में बंद हो गया तो यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। इस तरह से आप अगले पेजेस पे जाके आप अपने शेड्यूल को अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि कब आप क्लासेज में पार्टिसिपेट करें या ना करें। देखिए इग्नू में क्लासेज इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका स्टडी मटेरियल संपूर्ण है और उसको पढ़ के आप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल काउंसलिंग के लिए आपको स्टडी सेंटर जाना आवश्यक होता है।
तो ये थोड़ी बहुत बात सर, जो हिंदी का असाइनमेंट है फर्स्ट ईयर का वो कैसे मिल पाएगा? मैं अभी क्वेश्चन पेपर आप क्वेश्चन सेशन करने वाले हैं, आपको क्वेश्चन सेशन में मौका देंगे, आप बीच बीच में बोलते हैं तो और बात रह जाएंगी ना। ओके ओके सॉरी सर, आपको अभी क्वेश्चन सेशन हमारे डायरेक्टर साहब के साथ आप लोगों का होना है, सारे क्वेश्चन के आंसर किए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको वो आगे के कार्यालय में पार्ट कर दें। मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पे स्टॉप करता हूं। एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आरसी वाराणसी का वेब पेज दे दीजिए आप, आरसी वाराणसी। हाँ, तो ये आरसी वाराणसी का वेब पेज है, rcvaranasi.igno.ac.in। मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपको कि काउंसलिंग शेड्यूल कहाँ अपलोड करते हैं, जो ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं हम या ऑफलाइन काउंसलिंग कोई भी करते हैं। नवंबर 2022 में इतनी काउंसलिंग प्रोसेस हमने आयोजित की है और ये अलग अलग स्टडी सेंटर पे, और इनकी काउंसलिंग सेशन में लड़कों को पार्टिसिपेशन भी तो कहीं जाना नहीं होता। जैसे काउंसलिंग शेड्यूल आप MBA प्रोग्राम को कर रहे हैं, हम सर स्वयं प्रभा चैनल पे ये शेड्यूल है कि स्वयं प्रभा चैनल पे ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ CRD प्रोग्राम सारे आप देख रहे होंगे, स्पेनिश लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्राम है इनको करते हैं। अब प्रैक्टिकल काउंसलिंग के लिए आप पूछ रहे थे, जैसे BSc प्रोग्राम की प्रैक्टिकल काउंसलिंग शेड्यूल है, ये शेड्यूल है और इसके हिसाब से उनके स्टडी सेंटर पे UP कॉलेज पे ये सेंट एंड्रयूज कॉलेज पे काउंसलिंग चल रही है, तो बच्चे यहाँ से अपना डाउनलोड करके वो पार्टिसिपेट करते हैं शेड्यूल पे। तो आप सबको इसके संपर्क में रहना है, मेरा यही बताना था। आप इस पे देखेंगे तो इसके होम पेज पे चलते हैं हम, यहाँ पर आपको ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, ये चार ऑप्शन दिख रहे हैं। क्योंकि फेसबुक की बात मैं कर रहा था आपसे कि फेसबुक आरसी वाराणसी का फेसबुक पेज कैसे खोल पाएंगे आप, तो आप यहीं सिंपली क्लिक कर दें, ये आपका फेसबुक पेज खुल गया। और आप इस पर देखें तो ये डिफरेंट एक्टिविटी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई है आप देख रहे हैं, और ये जो इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग के शेड्यूल्स हैं वो डेली के डेली इस पर डाल दिए जाते हैं, जो आप वेब पेज पे वेब रेडियो पे सुन सकते हैं। इस तरह से मैंने संक्षेप में आपको ओरिएंट करने की कोशिश की कि आप घर बैठे ऑनलाइन सपोर्ट्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमको rcvaranasi@igno.ac.in के जरूर लिखते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन यही स्टॉप करता हूं, और आगे की बात के लिए परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए मैं डॉक्टर संजय जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो डॉक्टर संजय जी थैंक यू डॉक्टर पांडे जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय निदेशक डॉक्टर युवन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, उनके मार्गदर्शन में मीटिंग हो रही है। अभी आपके साथ वार्ता कर रहे थे, आपको बता रहे थे सहायक क्षेत्र निदेशक डॉक्टर एस के पांडे जी। मैं डॉक्टर संजय कुमार हूँ, जो एग्जामिनेशन और स्टडी मटेरियल का विशेष रूप से काम यहाँ देखता हूँ। हालांकि कोई बिंदु उन्होंने छोड़ा नहीं है, ज़्यादातर आपके क्वेश्चन लेने का ही मेरा मूड है, और सबका ही यह है कि आपकी जो भी जिज्ञासा हो शांत करें। जहां तक एक संक्षिप्त यात्रा में उन्होंने बताया कि स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे, अपने नामांकन का एनरोलमेंट, सब्जेक्ट क्या है, से ले करके एक बड़ी अच्छी चीज बताया, री रजिस्ट्रेशन, जो कि बहुत कंफ्यूजन है आप लोगों में, उस पर बहुत फोकस करिएगा कि उसको समय से भरना होता है, चाहे आप एग्जाम दिए हो या न दिए हो या एग्जाम बाद में देंगे, आपका समय 6 माह बचता है। ये बहुत मुख्य पॉइंट नोट करिएगा। असाइनमेंट के बारे में भी चर्चा हुई और चैनल्स के बारे में, काउंसलिंग चैनल्स के बारे में भी बहुत अच्छी चर्चा की गई, किस किस चैनल पर कैसे कैसे आप लोग काउंसलिंग देखेंगे और किस पर निर्भर रहना चाहिए आपको। एग्जामिनेशन की बात जहां तक है, केवल वर्ष में, क्योंकि आप डिग्री प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं, PG के विद्यार्थी हैं, आपको 1 साल बाद परीक्षा देना होता है। जुलाई 2022 में आपने प्रवेश लिया है और अब आपको जून 23 में आप परीक्षा देने के पात्र होंगे 1 साल बाद।
और उसके पहले आपको असाइनमेंट जैसा उन्होंने बताया कि जमा करना अनिवार्य होता है, असाइनमेंट पे काफी अच्छा फोकस उन्होंने किया। साल में दो बार परीक्षाएं होती हैं, लेकिन आपके लिए एक वर्ष बाद ही आप परीक्षा में अपीयर होते होंगे, और उसके बाद जैसे कुछ पेपर आपके बाकी रह गए फर्स्ट ईयर के, तो 6 महीने बाद जो नेक्स्ट परीक्षा होगी, क्योंकि तो वर्ष में दो बार होती है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। जब आप री रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके बाद से 1 साल बाद फिर सेकेंड ईयर के लिए आप उसके पात्र होते हैं। ये खास तौर से ध्यान रखने की बात है। हमें समय चूंकि उचित यही था कि एग्जाम पे मुझे कुछ आपसे बात करनी थी, और अब आपका सीधे हम लोग प्रश्न लेंगे और आपकी जो भी जिज्ञासा होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं देख रहा था कि मीटिंग में काफी लोग जुड़े हैं और आप लोग सीनियर्स हैं और आईक्यू लेवल आपका चूंकि पीजी के विद्यार्थी हैं, तो जो भी आप प्रश्न करें रिपीट ना करें कि जो विद्यार्थी उसने भी पूछा और आपने भी वही चीज, तो आप बराबर सुनेंगे और बीच में वही विद्यार्थी अनम्यूट करेगा जिसको प्रश्न पूछना होगा, वो हैंड रेज करेगा। ओके थैंक यू। तो मैं आदरणीय डायरेक्टर के परमिशन से इस सेशन को मैं कुछ बच्चों ने किया है मैं उनसे लेता हूँ। सबसे पहले संदीप गिरराजिया जी अपने प्रश्न पूछे। संदीप गिरराजिया जी अच्छा वो नहीं है तो आकाश चौधरी जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आकाश चौधरी जी अपने को अनम्यूट करें और प्रश्न। प्रणाम सर, मैं ये जानना चाहता सर स्टडी मटेरियल कब तक पहुंचेगा? स्टडी मटेरियल आपके घर के पते पर, आप वाराणसी के, आपका स्टडी सेंटर कौन सा है? आरसी वाराणसी सर। आरसी वाराणसी तो एडीसी सॉरी सर सॉरी एडीसी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज पर स्टडी मटेरियल बहुत से विद्यार्थियों का पहुंच चुका है। आप एक बार स्टडी मटेरियल जैसा उन्होंने बताया था सर ने कि ट्रैक कर लीजिए कि वहां से स्टडी मटेरियल कब चला है, आपके घर के पते पर आएगा। केवल बनारस के जो विद्यार्थी हैं जिनका स्टडी सेंटर वाराणसी है उनके स्टडी मटेरियल क्षेत्रीय कार्यालय से दिए जाएंगे। तो सर वहाँ एक बार हाँ बताए, वहाँ सर स्टेटस में भी कुछ नहीं शो हो रहा है। कुछ नहीं शो कर रहा है तो ठीक है, आप चैट बॉक्स में अपना इनरोलमेंट नंबर लिख दें और अनुपम जी और संतोष जी इनको जवाब दिया जाएगा, फिर कल आपको मेल से जवाब। नहीं शो कर रहा का मतलब हुआ कि अभी स्टडी मटेरियल आपको भेजा नहीं है, जब भेजेंगे तो डेट हो जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहे। जब आपका मटेरियल वहाँ से डिस्पैच हो जाएगा तो वहाँ अंकित हो जाएगा, यहाँ कुछ जीरो शो कर रहा। जी सर जीरो शो कर रहा है। और फिर रोहित सिंह अपना प्रश्न पूछे। रोहित जी प्रियंका पांडे सर ये है कि रोहित जी प्रियंका पांडे प्रियंका पांडे ये सर गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर हेलो हाँ बोलिए सर। री रजिस्ट्रेशन क्या अभी कर लेना होगा जुलाई सेशन वालों को? जुलाई सेशन वालों को हमने बताया जुलाई 2023 में री रजिस्ट्रेशन कराना है, तो जुलाई 2023 तक अभी कोई समस्या नहीं। आप मार्च अप्रैल में जो हमारा लिंक ओपन होगा री रजिस्ट्रेशन जी सर, तो मार्च अप्रैल 23 के बाद आपने अपने री रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अभी कोई जरूरत नहीं। जी सर थैंक यू सर। हाँ राकेश सिंह जी हेलो सर गुड इवनिंग। हाँ यस सर। सर मैंने एडमिशन के वक्त सर मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं जमा हो पाया था, मैंने उसकी जगह पे एप्लीकेशन जो अपनी यूनिवर्सिटी को दिया था उसका स्क्रीनशॉट लेके इग्नू में सबमिट कर दिया था, सर अब उसको मैं फिर से ठीक कैसे कर सकता हूँ, मतलब अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट कब सबमिट हो गया है? हाँ एडमिशन कंफर्म हो गया सर। तो csr@igno.ac.in पे पूरा मेल बना के भेज दीजिए और एक स्कैन करके अपना सर्टिफिकेट का भेज दीजिए,
एडमिशन कंफर्म हो गई है तो। थैंक यू सर। ठीक है ममता यादव जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, असाइनमेंट के बारे में कुछ बता दीजिए, कैसे बनाना है और किस अभी से आप क्या सुन रहे थे? सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हूं। लेट ज्वाइन किया। असाइनमेंट जो है आपके परीक्षा के स्कोर जमा करने होते हैं आपके अध्ययन केंद्रों पे, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड सेक्शन में जाके इग्नू के वेब पेज पे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उनके पेपर के A4 साइज पे अपने असाइनमेंट तैयार कीजिएगा। आप अपने अध्ययन केंद्र पे भी संपर्क कर सकते हैं, असाइनमेंट कैसे अच्छे से लिखे जा सके आपके एकेडमिक काउंसलर भी आपको गाइड करेंगे। तो आप अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अपने असाइनमेंट लिख के अपने अध्ययन केंद्रों पर जमा करें। सर एक क्वेश्चन और है, जो अभी आपने बताया था ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के बारे में, तो उसमें हर सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल है? हाँ, सबकी चैनल नंबर स्वयं प्रभा चैनल पे चैनल नंबर 17, 18, 19, 20 ये चार चैनल हैं और 21 स्कूल ऑफ स्टडीज के प्रोग्राम कौन कौन से प्रोग्राम किस चैनल पे हैं वो उसमें दिए गए हैं, आप देख लीजिए। हो सकता है इस महीने आपकी क्लासेज ना हो तो आपके कोर्स स्पोर्ट का शेड्यूल नहीं होगा, लेकिन वो अगले महीने आ सकता है। ठीक है और फिर गुड इवनिंग सर। साक्षी सिंह सर, गुड इवनिंग सर, एक क्वेश्चन था सर। यार हम बुला रहे हैं तो उसके बाद आप बात कर लीजिएगा। आपकी बात का जवाब दिया है राघवेंद्र तोमर जी? नहीं सर, अभी नहीं दिया। मुझे एक क्वेश्चन, हाँ राघवेंद्र जी पूछ लीजिए, आप पहले आप ही पूछ लीजिए। जी सर, ये क्वेश्चन था सर मेरा, सर जो स्टडी मटेरियल आएगा वो मेरे घर के एड्रेस पर आएगा, मुझे सर एड्रेस अपने यहाँ जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ चाहिए था स्टडी मटेरियल, तो एड्रेस चेंज हो सकता है? अभी ये मटेरियल तो उसी एड्रेस पे चला गया होगा, आगे के मटेरियल जो आपके नए एड्रेस पे आए इसके लिए आप एड्रेस चेंज के लिए इग्नू सेंटर वाराणसी को लिख सकते हैं, हम एड्रेस चेंज कर देंगे। उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा सर? एक ईमेल अपना आईडी कार्ड के साथ और जो नया एड्रेस है उसका डिटेल्स लगा के आप हमको भेज दीजिए, rcvaranasi@igno.in पे हम चेंज कर देंगे। मेल करना पड़ेगा? हाँ और क्या, अपना आपके रिक्वेस्ट के हम थोड़े चेंज कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वकास अहमद। हेलो सर, गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सर। सो सर, आई हैव टेकन एडमिशन इनटू द एमएससीआईएस व्हिच इज मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कोर्स दिस ईयर जुलाई 2022 एंड माय स्टडी सेंटर इज MNNIT इलाहाबाद। सो आफ्टर टेकिंग एडमिशन आई विजिटेड 2 times टू चेक द क्लासेस, बट अनफॉर्चुनेटली नो फैकल्टी वॉज अवेलेबल एट दैट टाइम। So before 1 month, I have submitted my assignment to one of the staff which was available at MNNIT center. So I just wanted to know whether your team received my assignment copy or not. This is the first question, and the second question is: apart from me, anyone also taken admission into the MSCIS course where the WhatsApp group or any communication channel has been created so we can easily communicate on that? Yeah, Amaji, don't worry. They will take care of your assignments and they will get it evaluated. After that, they will communicate the marks to us and we will update on the website. So this is a process. It will take 3 to 4 months for the completion of this process. And you need not to worry about your assignment. As you asked, if there is any professional or teacher should be taking classes. So I think you should be in contact with the online supports of the Swayam Prabha channel, okay? And it will be maintained, but app
as at present we don't have much support about the MSc IAS. We are trying hard to make the identify the counselors for the course. And okay. We will, because the exam is scheduled on next month. Make our counselors in coming month, and after that the counseling schedule, so counseling process will be scheduled as per requirement. Okay. Okay. Below the 10 students, we are not able to organize classes because it is expensive. So okay. There are many things to organize the counseling sessions. Huh? Where you are working? I am working in Pune, at Pune. You may take transfer to Pune. I think no, actually, at this time, at this current situation, because of the COVID, I am doing work from home. Most probably, next year, I'll move to Pune. So, right now, I am in Allahabad. Okay. So, that's why I've taken a study center as I am in an IIT Allahabad. No problem. You should submit your assignment properly. We will okay. care of that. And whenever you require, whenever you move to Pune, you may take a transfer from RC Varanasi to RC. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Next, Nidhi Yadav. Yes, sir. हम ये कह रहे थे कि सर हमारा स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं पहुंचा है. बताया ना कि आप सबका स्टडी मटेरियल भेजा जा रहा है. आप ट्रैक कर लीजिए बेटा, वो वहाँ दिखाई देगा आपको. और स्टेटस है, आप अपने पोस्ट ऑफिस के संपर्क में रहिए. पोस्ट ऑफिस वाले ओके से पहुंचा देंगे. अपर्णा वेद प्रकाश मिश्रा जी. हाँ सर. मैं मुझे ये पूछना था कि मेरे जो सब्जेक्ट का उसमें कोई शॉर्टकट वो दिखता ही नहीं है. जब भी कोई हम खोलते हैं ऑप्शन इनरोलमेंट के लिए या स्टडी मटेरियल के लिए, क्या नहीं दिखता सब्जेक्ट का? सब्जेक्ट का मेरा एमएससी एफएस क्यूएम है, उसका तो सब्जेक्ट ही नहीं दिखता उसमें. एमएससी एफएस क्यूएम सब्जेक्ट नहीं दिख रहा आपका? नहीं. ये आपका स्टडी सेंटर, आपका स्टडी सेंटर 48003 है. स्टडी सेंटर बीएचयू है. हाँ, 48003 है जी. तो आप अपने स्टडी सेंटर एक बार विजिट कर लीजिएगा. और दूसरी बात है कि आपको उसमें कुछ करना नहीं. वो फर्स्ट ईयर के जो आपके असाइनमेंट्स वगैरह अभी लिखने की बात आएगी स्टडी मटेरियल आपका. नहीं सर, मैंने जैसे ई ज्ञान कोर्स मैंने डाउनलोड किया है, अगर वहाँ से स्टडी कोई मटेरियल हम डाउनलोड करना चाह रहे वो नहीं हो रहा है. मैं यही बता रहा हूँ कि आप पीजी डीएफएस क्यूएम जो है फर्स्ट ईयर है, एमएससी डीएफएस क्यूएम फर्स्ट ईयर अपडेटेड वर्जन सेकंड ईयर है. तो अगर एमएससी डीएफएस क्यूएम के नाम से पेपर नहीं अपलोड है तो आप पीजी डीएफएस क्यूएम के असाइनमेंट डाउनलोड करके उनके आंसर आप लिखिए और जमा कर दीजिए. किसके? पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट. समझ रहे? सही है. एफएस क्यूएम पीजी जैसे एमएससी डीएफएस क्यूएम है ना. हां, वैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पीजी डीएफएस क्यूएम है ना, तो उसके असाइनमेंट अपलोडेड है. क्योंकि ये इसी साल से एमएससी एफएस क्यूएम प्रोग्राम अपडेट किया गया है, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है सारा प्रोग्राम अपडेशन. तो आप पीजी डी एफ एस क्यूएम के वो असाइनमेंट डाउनलोड करके उनके आंसर लिख के अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर दीजिए. अच्छा, तो ये असाइनमेंट कब तक जमा करना है सर? असाइनमेंट आप मार्च 23 तक जमा कर सकते हैं. मार्च 23 तक, ओके. ठीक है सर. हाँ राघवेंद्र, तो ये 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 अपडेट कब तक होगा सर? क्या यही जो हमारे सब्जेक्ट का जो इसमें स्कूल काम कर रहे हैं वो जल्द से जल्द अपडेट कर देंगे. उसका जवाब हमारे पास नहीं है कि कब तक अपडेट कर लेंगे. अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है सर. हाँ, अभी आराधना मिश्रा अपने प्रश्न पूछ सकती है. ठीक है, आराधना जी. जी सर, मुझे हेलो सर. ऋषभ
डॉक्टर पांडे हेलो नाउ इज आस्किंग द क्वेश्चन. आराधना जी पूछ लीजिए आप अपना सवाल. आराधना प्लीज कंटिन्यू. मैं आराधना मिश्रा. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे इग्नू की तरफ से अगर कोई इंफॉर्मेशन जैसे कोई अपडेट चाहिए होगी तो उसके लिए कोई ग्रुप या कुछ ऐसा है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सके. ओके आई वांट टू क्लियर एवरी स्टूडेंट ऑन दिस पॉइंट कि आप डोंट गो फॉर व्हाट्सएप ग्रुप ऑलवेज. आप लोगों को हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप ही क्यों चाहिए होता है. वी हैव फेसबुक पेज, वी हैव यूट्यूब चैनल, वी हैव ट्विटर हैंडल, वी हैव टेलीग्राम चैनल. अब इसके बाद व्हाट्सएप भी चाहिए आपको. हम इन सारी चीजों पर अपने अपडेट्स देते रहते हैं. व्हाट्सएप इज फॉर चैटिंग पर्पस. और वो जब स्टडी सेंटर्स अपने काउंसलिंग सेशंस आप शुरू करेंगे या आप अपने स्टडी सेंटर पर जाते हैं तो वहां के काउंसलर्स अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप कुछ काउंसलर्स बनाते हैं फॉर द काउंसलिंग पर्पस. तो बाकी वो ग्रुप और जो व्हाट एवर द स्टूडेंट्स मेकिंग the WhatsApp group in the chat box which I am seeing, we don't endorse those WhatsApp group. वो आप अपने रिस्क पे बनाए, आप उस पर ज्वाइन करें. वो हमारा कोई भी उससे ऑफिशियल ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है. अगर आप बना रहे हैं तो उस पर अगर इन चार सोशल मीडिया चैनल प्लस वन RC वेबसाइट प्लस वन इग्नू वेबसाइट इन छह चैनल्स के बाद भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच रही है तो वी कांट हेल्प. हम मदद नहीं कर पाएंगे प्लीज. तो मैं सभी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध हूँ कि यहां पर आप देखिए कम्युनिकेशन इज द की फैक्टर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग. आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं है कि रोज क्लास करते हो मंडे टू सैटरडे तो कि चाहे अनचाहे आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है. यहां पर क्या है कि इंडक्शन मीटिंग हमने कराया फिर इसके बाद अपने आप स्टडी सेंटर्स पे जाते हो वहां कुछ काउंसलिंग क्लासेस होती हैं और कभी आप असाइनमेंट जमा करने या एग्जाम देने जाते हो तो इंटरेक्शन फ्यू होते हैं. तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन सोशल मीडिया चैनल से इन वेबसाइट से रेगुलर टच में रहें, उनको फॉलो करें और बीच बीच में उनको विजिट करते रहें जिससे कि आपसे कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो. अपार्ट फ्रॉम दैट हर इंपॉर्टेंट अपडेट हम अपने स्टूडेंट्स को SMS के थ्रू और ईमेल के जरिए भेजते हैं. आपको असाइनमेंट जमा करना है, हम डेट आ गई है या असाइनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये जो तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिनको बार बार बताया जा रहा है इनकी इंफॉर्मेशन हम SMS के जरिए भी विद्यार्थियों को देते हैं. तो उसके बावजूद कुछ छूटेगा नहीं, उसके बाद भी कुछ छूट रहा है देन इट मीन्स कि आप अपडेटेड नहीं है या आप रेगुलर विजिट नहीं कर रहे हैं. तो प्लीज आप उनको टच में रहें और व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत भरोसा मत करें. ठीक है. थैंक यू. नेक्स्ट अगला प्रश्न मैं लारेब अहमद जी से आमंत्रित करता हूं. सर ऋषभ आपने मिस कर दिया जी. हां ऋषभ जी पूछ लीजिए, आप सवाल पूछ लीजिए. हेलो सर. डॉक्टर सर मैं आपको YouTube पे बहुत लंबे वक्त से फॉलो कर रहा हूं, मैं आपको देखता हूं आपका इंडक्शन वीडियोस. एक क्वेश्चन भी है, कॉम्प्लेन भी है कि कोई भी नंबर्स कांटेक्ट पे नहीं लग पाते हैं तो क्वेश्चंस कभी पुट अप करना हो तो कोई सोर्स नहीं होता, कहाँ रखें क्वेश्चंस? मीटिंग एक बार मिल रही है फिर ना मिले इन फ्यूचर. रीजनल सेंटर वाराणसी का नंबर्स मंडे टू फ्राइडे. हाँ सर मैंने ट्राई किया है कई बार कॉल करने का, उसके बीच में लगता है. वहां पे हमने दो पर्सन को बैठा रखा है जो कि वो उसको लगातार अटेंड करते हैं. सर वो नंबर्स आप इसमें लिखते हैं अगर चैट में वो क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं, कंफ्यूजन होती है. रीजनल सेंटर वासी की वेबसाइट पे एक बार संतोष जरा उसको चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा जरा. रीजनल सेंटर वासी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और उसके बाद हमने वेबसाइट पर स्टडी सेंटर्स के भी नंबर अपलोड कर रखे हैं. स्टडी सेंटर इंफॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा, आप अपने स्टडी सेंटर से सीधे भी बात कर सकते हैं. उसके बावजूद अगर पूछा हाँ जाता है तो यू कैन सेंड ईमेल टू अस, आप हमें ईमेल कर दें. ठीक है. ओके सर. तो हम उस ये नंबर्स में ट्राई करता हूं, आई होप इट विल वर्क. सर एक क्वेश्चन और है, जैसे जो असाइनमेंट्स के संबंधित मैंने देखे हैं कई वीडियोस और एक कंफ्यूजन रहती है कि असाइनमेंट के ऊपर एक कवर फोटो टाइप का कुछ करना होता है, कुछ कवर लगाना होता है सीधे और आप नहीं सबमिट कर सकते. कवर पेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड यू योर डिटेल्स. असाइनमेंट जो आपने आंसर्स लिखे हैं उसके ऊपर आप एक क्वेश्चन पेपर, वो सादा है, उसमें आपको नाम लिखने के लिए आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा क्या? नाम तो आपको पता है. नहीं सर मैंने कई बार दिखाते हैं कि वो येलो कलर की शीट होती है.
नो नीड टू मेक एनी फैंसी असाइनमेंट, आप सिंपल एक असाइनमेंट बनाइए A4 साइज के पेपर पे, ऊपर सबसे ऊपर कवर पेज पे आप अपना डिटेल, नाम, प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर नंबर, एक मोबाइल नंबर दे दीजिए, इन केस द काउंसलर रिक्वायर यू टू कॉन्टेक्ट या योर स्टडी सेंटर रिक्वायर्स यू टू कॉन्टेक्ट और आपको कोई अपडेट देना हो, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर लगा दीजिए और बाद में असाइनमेंट लिख दीजिए उस क्वेश्चन पेपर, सिंपल है, उसको बहुत फैंसी करने की जरूरत है। तो क्या हम ये अश्योर्ड रहे कि ज्यादा परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है और फ्यूचर में नहीं, मैंने बोला कि आपको तीन इम्पोर्टेंट अपडेट्स हम देते हैं, हाँ, काउंसलिंग शेड्यूल हम देते हैं, इन केस वो एसएमएस मिस होता है तो आप हमारी वेबसाइट और हमारा फेसबुक पेज जरूर विजिट करें, बीच बीच में वेबसाइट जरूर विजिट करें एटलीस्ट, सर फेसबुक पेज पे कुछ लिख कर क्वेश्चन करें तो आंसर मिल सकता है, हाँ हम कोशिश करते हैं, आप हमें बेस्ट है कि आप हमें ईमेल करें, हाँ हाँ बिल्कुल ईमेल, ओके थैंक्स सर। विनय सिंह जी अपना प्रश्न पूछे, थोड़ा शॉर्ट में करिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत है और हम लोगों का समय का बहुत कांस्टेंट है। सर गुड इवनिंग सर, मुझे ये पूछना था कि कोई YouTube पे चैनल है क्या जहाँ पर ये क्लासेस हम देख सकते हो, ऑनलाइन चैनल कोई? सारे चैनल आपको दिखा दिए, ई-ज्ञान कोर्स में जाइए, YouTube लाइव वीडियो लेक्चर सब अपलोडेड है, आपने देखा ही, वहाँ पे आप देख लीजिएगा अपने विषय का, ठीक है? ओके थैंक यू। इग्नू EMPC यूट्यूब चैनल भी है एक, उस पर भी, और ई ज्ञान कोर्स पे डॉक्टर पांडे ने बताया वहाँ भी यूट्यूब, वो सारे यूट्यूब चैनल दोनों जगह अवेलेबल है, YouTube वीडियोस, तो आप वहां पे देख लेंगे, ठीक है? विपिन चौहान या नैन्सी विश्वकर्मा? सर आवाज बहुत गुड इवनिंग सर, धीरे धीरे आ रही है। हाँ गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, पूछ रहे असाइनमेंट के टाइम पे सर वाइवा भी होता है? नहीं, जब जैसे असाइनमेंट हम सबमिट करने जा रहे हैं रीजनल सेंटर पे तो उस टाइम वाइवा भी होता है उसमें? प्रैक्टिकल के टाइम पे जब वाइवा होता है, प्रैक्टिकल में जरूर एग्जाम होगा, वाइवा होगा। जुलाई 2022 का वो क्लासेस कब स्टार्ट होंगे? अभी आपने इतनी देर से क्या सुना, नैन्सी कहाँ थी आप, इतनी देर से हम बता रहे हैं क्लासेस लगातार आप स्वयं प्रभा चैनल पे चलाए जा रहे हैं, ठीक है? अमित अमित अजय अमित जी, हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए सर, ये असाइनमेंट सबमिट करने के बाद उसके इवैल्यूएशन के बाद कॉपी वापस मिलती है क्या? बिल्कुल सभी को वो कॉपी वापस ले लेनी चाहिए, अपने स्टडी सेंटर जाके जब आप जमा करते और हम लौटते हुए वो ले लेना चाहिए। सर उसका पीरियड कितना होता है? आपने बोला कि 3 महीने कम से कम लगता है इवैल्यूएशन में, 3 महीने बाद, तो उसका कंफर्मेशन आप मार्च में जमा करते हैं तो मई के आखिरी में जाके अपने असाइनमेंट वापस पा सकते हैं, जून में ले आए, ठीक है? ओके सर थैंक यू। मानसी सिंह, यस सर गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल ये था कि असाइनमेंट सिर्फ ऑफलाइन मोड में स्टडी रीजनल सेंटर पे जाकर जमा करना होगा? रीजनल सेंटर नहीं जमा करना है बेटा, मैं स्टडी सेंटर, स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट जमा करना है, रीजनल सेंटर ऑफिस है, असाइनमेंट और सारे काम जो है एकेडमिक काम स्टडी सेंटर पे होते हैं। तो सर वो ऑनलाइन जमा करने का कोई वो नहीं है? नहीं ऑनलाइन कोई ऑप्शन नहीं है, COVID-19 में वो हम किया था लेकिन अभी नहीं। और सर एक और सवाल था मेरा कि बनारस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, क्या उनको अपना मटेरियल जाकर लेना है? यस आपको एसएमएस जाएगा, आपको आके लेना पड़ेगा। अच्छा सर वो मैसेज आएगा ना, पता करता करते रहना होगा या फिर वो मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा? थैंक यू। निकिता सिंह, गुड इवनिंग सर। हाँ निकिता बोलिए।
सर मुझे ये पूछना था कि जब मैंने एडमिशन लिया था वाराणसी आरसी वाराणसी में, तो उस टाइम मैं वाराणसी में थी तो मुझे लगा मेरा स्टडी मटेरियल मतलब 2-3 महीने इस तरह आ जाएगा। अब मैं अपने मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, मैं गुवाहाटी आ गई हूँ और मैंने अपना एड्रेस दिया था वाराणसी का, तो स्टडी मटेरियल 2 तो बुक आ गई है लेकिन बाकी बुक्स अभी तक आई नहीं है, तो क्या मैं गुवाहाटी स्टडी सेंटर ले लूं कुछ अपना आईडी कार्ड दिखा के ऐसा कुछ? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो स्टडी मटेरियल जब भी आप वाराणसी आएंगे वहीं से कलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा वहीं से सर, फिर तो जाने में नहीं हो सकता ऐसा कुछ कि यहाँ से ले लें, क्योंकि यहाँ आ गए तो यहाँ के रीजनल सेंटर से ले लेते। सर लेने में ही सारा टाइम वेस्ट हो जा रहा है। नहीं मैं कहता हूँ कि या तो हमें से कोई ऑफिसर लेके चला जाए गुवाहाटी ले आए, तो प्रोसेस हो सकती है, और कौन सा होता है? नहीं सर ऐसा नहीं, बात डायरेक्टर साहब से कहूंगा कि वो इंतजाम करें या खुद ही चले जाए लेके, क्या करें। थोड़ा इसकी गंभीरता रखिए मैडम, ये मीटिंग हो रही है और आपको हमने बता दिया कि स्टडी मटेरियल यहीं से कलेक्ट करेंगे, तो आप यहीं से कलेक्ट करेंगे, ऐसा क्यों बात कर रहे हैं आप? रफीक खान गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, सर आप सर सर गौरी फोन कर सर, पहले मेरी सुन लीजिए सर, पहले मैं नहीं बोल पाई। हेलो हेलो सर, मैंने अभी जुलाई सीजन में 2022 में एडमिशन लिया है, लेकिन मैं पहले से इग्नू के स्टूडेंट हूँ, मैंने बीए भी इग्नू से ही किया था, लेकिन मेरे पास जो उसका डिग्री था ओरिजिनल डिग्री मुझे नहीं मिला अभी तक बीए का, जो कि मैं एमए में एडमिशन ले चुकी हूँ, तो मुझे आपको यहीं से नहीं मिला है, लेनी पड़ेगी, तो वो यहाँ पे आई होती है और आप उसकी रिक्वेस्ट फीस होती है, फीस दे के पेमेंट करके वो डिग्री आप ले जा सकती हैं। स्टडी सर डिग्री सर डिग्री नहीं, मुझे रिजल्ट ही नहीं मिला अभी तक, क्योंकि रिजल्ट एमए में एडमिशन के लिए ओरिजिनल रिजल्ट मांग रहा है, जो कि मैंने एमए में एडमिशन ले लिया है। रिजल्ट डीडी रिजल्ट @igno.ac.in पे जाके आप अप्लाई कीजिए और मेल कीजिए उनको, वो क्वार्टर से आपके घर के पते भेजा जाता है। ठीक है, हेलो सर, सर कह रहे हैं कि मेरा जो क्वेश्चन है, मैंने एडमिशन एमए में ले लिया लेकिन मेरा रिजेक्ट हो चुका है एडमिशन। मैंने एमए में एडमिशन ले लिया है, वो एडमिशन रिजेक्ट हो गया है, उसमें लिखा हुआ है कि आप ओरिजिनल अपना रिजल्ट अपलोड करिए। इसके लिए यहाँ बहस मत कीजिए और सबका टाइम मत नष्ट कीजिए, आप उस पर मेल लिखिए तो उस पर जवाब दे देंगे हमारे। ठीक है, गुड इवनिंग सर, सर इट्स माय टर्न नाउ। सर मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग असाइनमेंट है कि असाइनमेंट टाइप फॉर्म में दे सकते हैं कि हैंड रिटन में ही देना अनिवार्य है? केवल हैंड रिटन, टाइप करना ही नहीं है। गुड इवनिंग सर, हेलो, सर सर बहुत देर से वेट कर रहे थे। लारा अहमद आपका प्रश्न तो हो गया ना? नहीं सर आपने एक्सक्यूज मी सर, बस मेरा एक सवाल है। अभी आप रुक जाइए, कोई बोल रहा है उसके बाद बोलिए। लारा अहमद बोलिए। जी सर हमारा एक क्वेश्चन, जी सर हमारा एक क्वेश्चन है सर, हमने एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया है 1 मंथ पहले सर, तो इसका एग्जाम कब तक होगा? अभी सारी चीज बताई है, रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं आप अहमद साहब, हमने बताया। देखिए एक मिनट डॉक्टर पांडे, इसमें काफी लोगों ने बहुत बाद में ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने मीटिंग बाद में ज्वाइन की है वो इस मीटिंग का वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर देख लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें बताई जा चुकी है, जिनपे एक घंटा है उसको आप दोबारा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने बाद में मीटिंग ज्वाइन की है वो प्लीज आस्क कोई क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि वो ज्यादातर चीजें बताई जा चुकी है। चैनल का एक बार नाम बता दीजिए अपना। फेसबुक चैनल है, आप इग्नू की वेबसाइट पर चेक कर लें, वो चारों लिंक फेसबुक यूट्यूब ट्विटर और टेलीग्राम के चारों लिंक दे रखे हैं हमने। रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट पर इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी गूगल में सर्च कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस में भी कोई असाइनमेंट बनता है? मैंने कहा ना आप वहाँ देख लें, इस यूट्यूब को देख लें, आपने बाद में ज्वाइन किया है, आपको कुछ नहीं। लक्ष्मीकांत शर्मा जी पूछ लीजिए सवाल।
सर सर मेरे मन में एक प्रश्न था और एक दुविधा भी थी। सर मैंने एडमिशन लिया था वाराणसी रीजनल सेंटर पे और मेरा स्टडी सेंटर जो है मऊनाथ भंजन है इसके। सर पर मैं इस वक्त जो है सर श्रीनगर गरवाल में हूँ, जहाँ पे आप चेंज करा सकते हैं रीजनल सेंटर, आप चेंज करा सकते हैं। सर हो जाता है सर, ऑनलाइन ही हो जाता है या फिर सर जाना पड़ता है? आप एक मेल कर दीजिए आप हमें बस। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जय प्रकाश विश्वकर्मा, कुछ पूछना है आपको या आप पूछ चुके हैं सवाल? क्वेश्चन है सर। हेलो, हाँ सर, हाँ पूछिए जयप्रकाश जी, पूछिए। सर बस ये पूछना था कि हम वाराणसी से ही हैं तो क्या स्टडी मटेरियल लेने के लिए हमको बेचू ही? स्टडी मटेरियल पे मैं लास्ट बार एक सबको बता दूं कि वाराणसी रीजन के 500 विद्यार्थियों को हमने SMS भेजा, जिसमें से 100 से 150 विद्यार्थी ही केवल स्टडी मटेरियल के लिए आए। 350 ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्टडी मटेरियल के लिए आए ही नहीं, ठीक है। वाराणसी से बाहर के विद्यार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल उनके घर पर जाएगा। वाराणसी का वो विद्यार्थी जिनको SMS अभी नहीं मिला है वो थोड़ा सा वेट कर ले, उनको दोबारा अगर उनका स्टडी मटेरियल के लिए हम दोबारा SMS करेंगे, ठीक है। तो उनको वहां से आके कलेक्ट करना है। कोई जरूरी नहीं है कि वाराणसी के सभी विद्यार्थियों का स्टडी मटेरियल, यह कुछ को बाय पोस्ट भी मिल रहा होगा, तो जिनको बाय पोस्ट मिला है वो वेट कर ले, वो वेल एंड गुड। जिनको नहीं मिला है उनको आइदर बाय पोस्ट या यहाँ से हम जरूर भेज देंगे। SMS जब भी जाए आप उसको रिस्पॉन्ड करते हुए हमारे यहाँ जरूर आए, ठीक है ना? ठीक है। SMS आया था परंतु टाइम पे नहीं था इसलिए नहीं पहुंच पाया, तो आप जाके ले सकता हूँ? उसके उसमें कोई टाइम नहीं दिया गया था, अभी भी आप जाके ले सकते हैं, ठीक है ना, बाद में। सब प्रश्न पूछने के पश्चात सर हम सेशन लीव कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत सिंह पूछ ले। प्रशांत सिंह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आई हैड रिसेंटली टेकन द एडमिशन इनटू मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। एज दिस सब्जेक्ट इज स्लाइटली डिफरेंट फॉर अदर एकेडमिक सब्जेक्ट्स, सो आई हैव सर्टेन डाउट्स रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। लेकिन जब मैं काउंसलिंग शेड्यूल चेक करता हूँ, जो मेरा कॉलेज माइक्रोटेक कॉलेज है उसपे कोई ऐसा काउंसलिंग शेड्यूल है नहीं इससे, जिससे मैं अपने जहाँ मैं जाके अपने सब्जेक्ट की जो वो जल्दी ही हम BHU के थ्रू उस काउंसलिंग सेशंस को ऑर्गेनाइज कराएंगे, और आप स्वयं प्रभा चैनल जरूर देखते रहे, वहां पर वो चल रहा है, ठीक है। स्वयं प्रभा पर उसकी काउंसलिंग चल रही है और BHU के माध्यम से भी हम जल्दी, BHU में जो स्टडी सेंटर है उसके माध्यम से हम काउंसलिंग शेड्यूल ऑर्गेनाइज कराएंगे जल्दी, ठीक है ना? सर यूट्यूब के लिंक शेयर कर सकते हैं क्या? वो सारे लिंक्स चैट बॉक्स में दिए गए हैं, आप रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट पर भी एक बार चेक कर लें। तो अगर आपने सर, सर आपने बोला ज्ञान कोश में जाने पे फिर हमें वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे, ओके, बट मैं ज्ञान कोश जब ओपन किया तो उसमें MA का कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसमें यूट्यूब का लिंक MA, आप सर्च ऑप्शन में कौन सा प्रोग्राम है आपका? MAH। उसका क्या आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या यूट्यूब चाहिए? यूट्यूब वीडियोस भी चाहिए, स्टडी मटेरियल का मेरे पास लिंक है सर। हाँ तो आप, बट यूट्यूब चैनल्स मुझे नहीं मिल पा रहे। MA का स्पेसिफिक MA का नहीं रहता है उसमें, पहले आप यूट्यूब वीडियो उसमें है, यूट्यूब वीडियो लेफ्ट साइड में बॉटम पर वहां पे सर मैंने यूट्यूब ज्ञान कोर्स ओपन किया, उसमें यूट्यूब वीडियोस ओपन किया, उसमें फिर अलग अलग दिखा रहा है, BA जनरल दिखा रहा है, BA ऑनर्स दिखा रहा है, अदर्स दिखा रहा है, बट MA का कोई ऑप्शन ही नहीं है इधर। नहीं होगा तो नहीं होगा मैम, उसमें होगा नहीं, फिर हम लोग बात कर लेंगे, उसको अपलोड कराने की कोशिश करेंगे। स्वयं प्रभा चैनल पे उसकी वैसे काउंसलिंग चल रही है, आप एक बार उस पर देख लें, ठीक है ना? हम कोशिश कराते हैं, देखते हैं क्या होता है, चेक करा के आपको इन्फॉर्म कर। ओके सर, मेरे विषय का भी प्लीज ऐड करवा दीजिए, MSc FS QM का, वो भी कहीं नहीं है। वेद प्रकाश जी, सर 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 स्वयं प्रभा करके तो बहुत सारे चैनल आ रहे इधर, 17, 18, 19, 20 चारों चैनल, बस सिर्फ चार चैनल आपको ध्यान देने हैं, 17, 18, 19, 20 वही इग्नू के चैनल हैं, बाकी स्वयं प्रभा के चैनल इग्नू के नहीं, बाकी IITs IIMs के वो चला रहे हैं, वो उनके 17 and 19 तो इधर शो हो रहा है, 17, 18, 19, 20 ये चारों चैनल हमारे हैं इग्नू के। ओके सर, थैंक यू। और वेद प्रकाश जी आपका बड़ा प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं आ रहे हैं उस बात को, प्रॉब्लम ये है ना कि आपका जो प्रोग्राम है वो मॉड्यूलर प्रोग्राम है, इसमें फर्स्ट ईयर पास करते ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट की डिग्री, एक डिप्लोमा दे दिया जाता है। तो
तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी और क्वालिटी मैनेजमेंट और आपका फर्स्ट ईयर दोनों सेम है, दोनों अलग नहीं है, तो पहले आप अपने PGDFSQM के थ्रू आप अपने फर्स्ट ईयर पर फोकस करें, आपके असाइनमेंट वहां पर है, उसके यूट्यूब वीडियोज आप उसके यूट्यूब वीडियोज नहीं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट मेन होता है, वो प्रैक्टिकल हम BHU में DDT में कराते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी में हम कराते हैं, तो वहां पे आप प्रैक्टिकल जरूर अटेंड कीजिएगा, उसमें थ्योरी कंपोनेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, और थ्योरी आप अपनी बुक से जरूर पढ़ लें, ठीक है ना, तो थ्योरी के लिए, और उसमें बहुत कम संख्या में विद्यार्थी होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए उसका स्वयं प्रभा चैनल और उसपे वीडियो थोड़े कम आते हैं, आप यहाँ पे स्टडी सेंटर पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, उस चीज को बार बार पूछने का कोई मतलब नहीं है सर, वो आपको समझाया जा चुका है। लव यादव सर, YouTube चैनल का नाम बता दीजिए। देखिए अब फिर वही बात है यार, YouTube चैनल का इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी एक YouTube चैनल है, YouTube पे खोज लीजिए, और इग्नू EMPC जो इग्नू का मेन हेडक्वार्टर का यूट्यूब चैनल है, यही दो चैनल है, ठीक है ना, ठीक है। EMPC बेसिक जानकारी मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, मिल जानी चाहिए, इसीलिए हमने बताया। सर हमारा एक प्रश्न है, कब से हम रिंकी जी आप पूछ लीजिए आप। सर हमारा रीजनल सेंटर DDU गोरखपुर है, तो हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी सर, या फिर ऑनलाइन ही क्लासेस होंगी? अभी ऑनलाइन ही क्लासेस होंगी, वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस अभी हमने रोक के रखी हुई है जी सर, वो अभी नहीं होंगी, ठीक है ना, ऑनलाइन ही क्लासेस होंगी, तो उसके तो ऑनलाइन के लिए सर कैसे, मतलब हमें ऑनलाइन के लिए रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट पर काउंसलिंग शेड्यूल हम देते रहते हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू सर। अब मेरे ख्याल में काफी सवाल लिए जा चुके हैं, जिनका कोई सवाल बचा है वो हमें मेल कर लें, क्योंकि एक घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस प्रोग्राम को, ये एक घंटे की ही मीटिंग शेड्यूल थी, क्योंकि आप सर मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक मिस्टेक कर दी थी फॉर्म भरते समय सर, मैंने मिस्टेक कर दी थी, पिताजी के नाम मिडिल नेम जो है मैंने वो मेंशन नहीं किया था, तो वो फिलअप नहीं कर पाया, मैं उसके रिगार्डिंग मैंने एप्लीकेशन भी दिया था मेल के थ्रू, आपको हेडक्वार्टर भेजना होगा csrc@ignu.ac.in को भेज दीजिए, या उसकी कॉपी एक हमें कर दीजिए, अपना हाई स्कूल का मार्कशीट लगाइएगा जिसमें फादर का नाम होता है, नो अदर डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है, ठीक है, वो आप हमें ठीक है कर दीजिएगा, ठीक सर, एक वो एक बार वो लिंक आप शेयर कर देंगे चैट बॉक्स में, वो ईमेल आईडी है यार RC वाराणसी का, हमारा ईमेल आईडी है, वो लिंक नहीं है, उसी पे शेयर करना है, ईमेल आईडी पे मेल करना है, मेल करना है सर, वो एक बार हम कर चुके हैं, लेकिन कहाँ किया, csrc@ignu.ac.in किया सर, RC वाराणसी पे किया है, तो उसको हम चेक करवा लेंगे, यस सर। प्रियांशु पांडे का देख लेना भाई जरा, मैं डाटा डाउनलोड होने के बाद ही उस पे एक्शन कर सकते हैं सर हम, हाँ अभी अभी तो फाइनल डाटा डाउनलोड हो जाएगा, तो उसके बाद पुनः मेल करिएगा आप, एक महीने के बाद मेल कीजिएगा, हम करेक्ट करने की कोशिश, अच्छा सर, थैंक यू सर। पांडे जी सर एक क्वेश्चन था कि क्या हम अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं, फीस रिफंड हो सकती है? गार्गी सिंह का प्रश्न है, क्या आप कोई भी एडमिशन कंफर्मेशन के बाद उसके जो भी फी रिफंड के प्रोसेस है उसमें डिडक्शन करके जो जो प्रोसेस है उसके हिसाब से फी वापस होती है, लेकिन अगर आपने महीना भर एडमिशन कैंसिल के लिए नहीं अप्लाई किया है, एडमिशन कंफर्म भी हो गया है, तो कोई फी रिफंड नहीं होती है, ये सभी लोग जान लें। और अभी गार्गी सिंह जी आपको ये कहना है कि जितना ड्यू उसके रूल्स होंगे उन रूल के हिसाब से आपको फी रिफंड होगी सर, तो मेरे पास यानी अभी टाइम है, हमने आप बताया क्या कि एक महीने के अंदर अगर आप कैंसिलेशन करते हैं तो ड्यू रोल्स वो फी रिफंड करने की प्रोसेस कर सकते हैं सर, तो वो एक महीना कब से शुरू होगा, वो कॉन्फर्मेशन क्या है, मतलब क्या चीज का कॉन्फर्मेशन नहीं है, आप जाके उसको आप वो डाउनलोड करिए प्रॉस्पेक्टस आप वेबसाइट से, और उसमें फी रिफंड के रूल्स पढ़ लीजिए, ठीक है सर। मैंने MA फिलॉसफी में एडमिशन लिया है सर, अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं आया है, मैं बनारस का। अरे यार 10 बार इसी प्रश्न को बता दिया, अभी आप लोग रिपीट प्रश्न पूछ रहे हैं, अब सर मेल से अपने प्रश्न पूछिए, मीटिंग यही समाप्त की जाती है, मैसेज आप
कहीं और मीटिंग में जाना है, इसलिए मीटिंग यहीं पे क्लोज की जाती है। थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेशन।